उत्तराखंड से ये आज की बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग से जुड़ा बड़ा फैसला आया है। राज्य कैबिनेट में हुआ फेल छात्रों को अब पांचवी और आठवीं कथा थी, इस प्रथा को अब समाप्त कर दिया गया है। बड़ी खबर उत्तराखंड से। आपको बता दें कि पहले ग्रेस मार्क देकर पास करने का प्रावधान था, अब बच्चों को पास होने का एक मौका मिलेगा। दो महीने की कोचिंग के साथ साथ कंपार्टमेंट परीक्षा होगी। अगर छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा में भी फेल हो जाते हैं तो उनको फेल माना जाएगा। आपको बता दें पहले जहां राज्य में ये प्रथा थी कि अगर जो छात्र है वो आठवीं कक्षा में या पांचवीं कक्षा में फेल होता है तो उसको जितने अंक कम हो रहे हैं उतने अंक का ग्रेस मार्क देकर उसे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था। अब ऐसे में ये बड़ा फैसला है शिक्षा को लेकर, शिक्षा विभाग का ये बड़ा फैसला है कि अब आठवीं और पांचवीं कक्षा में जो छात्र हैं उनको रोका जा सकेगा। यानी कि अगर वो फेल होते हैं दूसरे अटेम्प्ट के बाद भी तो उनको फेल ही माना जाएगा, उनको छठी में या नौवीं में प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो एक तरफ से बड़ी खबर है शिक्षा विभाग की। आपको बता दें कि लगातार जो शिक्षा विभाग के आंकड़े हैं वो ये कहते थे कि ऐसे प्रावधान से जो बच्चे हैं उनके अंदर पढ़ाई करने की रुचि कम होती जा रही थी, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई थी कि अगर हम नहीं भी पढ़ते हैं तो हमें ग्रेस मार्क मिल जाएगा और हम पास हो जाएंगे। तो ऐसे में शिक्षा विभाग का ये बड़ा कदम है कि बच्चों के अंदर पढ़ाई को लेकर जो एक जागृति है, एक जो पढ़ाई को लेकर उनके मन में एक बात पैदा करना चाहिए, वो उन्होंने बिल्कुल सही तौर पर किया है।